जांच करके प्राइमा फेसी हमने इसमें पाया जिसमें 420 और अन्य धाराओं में हमला पाया जा रहा है। इसमें हमने नरवली में इसकी FIR रजिस्टर करी, सीरियस मैटर था इस केस में। एसडीओपी को भी लगा, एसडीओपी टीआई वहां पे अभी थाना प्रभारी इंचार्ज आनंद ने सबकी टीम लगाई और डिटेल गया तो इसमें निकला कि जो मुस्तफा जाकी और ताहिर जाकी जो उसका लड़का है जो सीए की पढ़ाई कर रहा है ये इसमें मेन एक्यूज थे जो लोगों को गुमराह करके गलत इन्फॉर्मेशन दे करके चीट कर रहे थे। ये घर से फरार हो गए थे भोपाल से। जो मुस्तफा जाकी है इसकी एक शॉप है, वो भी किराए की शॉप है, ताहिरी ट्रेडर्स करके भोपाल में कबाड़खाना में इसका प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन में सब कुछ करा रखा था और इसका निवास स्थान का कोई फीजा सुखा भी फरार हो गया। जब करने के बाद जब बातचीत करी तो ये निकला कि इसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई थी तो ये बहुत जल्दी शॉर्टकट करी कि समीप बनना चाहता था। इसके लिए लोगों से पहले विश्वास जमा करता कि मैंने का विश्वास सप्लाई किया उसके बाद उनके साथ चीट कर पाता। ये भी जानकारी में आया कि भोपाल में कि भोपाल में भी कई जगह की शिकायतें हैं होने वाला है और टीम ने काफी प्रयास करके करीब 26 लाख रूपये रिकवर किए हैं। भोपाल के दो फॉर्म थे, एक स्टार स्टील था और एक होम कंस्ट्रक्शन। स्टार स्टील से करीब 21 लाख रूपये रिकवर हुए हैं। ये पैसा दूसरों को दिया था कि एक उठारी जहां से उसका बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि आप रखो इस पैसे को बाद में मैं उपयोग कर लूँ तो ये रिकवर हो गया। एक होम कंस्ट्रक्शन है भोपाल में, उसके करीब 5 लाख 50 हजार रूपये रिकवर हुए हैं। इस तरह कुल मिला के 36 लाख 50 हजार रूपये पैसा रिकवर हुआ है जो हमारे कंपनी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है और प्रयास करेंगे कि और इसमें पैसा रिकवर हो। रिपोर्ट अपना जमा करता हूँ तो विश्वास में आ जाते हैं उनके बाद फिर रिपोर्ट करता हूँ। मैं स्टार्टिंग में जैसे ये जो लखन सिंह जो मेन फरियादी हमारे केस का इसको करीब ने 30 लाख का माल सप्लाई किया और माल सप्लाई बड़े रिजनेबल रेट में किया तो एक विश्वास उनके जम गया और विश्वास में बातचीत में बड़ी अच्छी बातें करके करीब उसने धीरे धीरे उनसे पैसा जमा कर रखे कि हाँ मैं जमा और कर दो मैं आपको एक साथ दे दूँ मेरी उस कंपनी से बात चल रही मेरे